बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपसे वाटिका का आर्गन जो हेयर मास्क है उसका जो है वो रिव्यू शेयर करूँगी। तो ये देखिए, इसके ऊपर हर चीज़ मेंशन है और इसकी यूजेज भी, इसका तरीका इस्तेमाल भी, इसके इंग्रेडिएंट्स भी, और आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल होता है। सर्दियों में हमें इस तरह की चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि हमारा जो स्किन है वो ज़्यादा ड्राई होती है, उसका मॉइस्चर लूज़ हो जाता है। तो सिर्फ हेयर ऑयलिंग से काम नहीं चलता, आपको ये जो हेयर मास्क होते हैं ये भी अप्लाई करने चाहिए अपने हेयर्स पर, ताकि जो है उसकी डीप नरिशमेंट हो सके और उसको वो जो है वो बेनिफिट्स जो है वो मिल सके। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ, मैं आपको भी बता रही थी कि आप देख सकते हैं कि इसमें हर चीज़ मतलब मेंशन है, इसमें तरीका इस्तेमाल भी लिखा हुआ है और ये बहुत अच्छा है और ये बहुत रीज़नेबल भी था। अराउंड 300 तक आपको ये मिल जाता है और आपके बालों में अगर आप इसको 1 मंथ तक ये चल जाता है, अगर आप इसे वीक में एक बार भी लगाते हैं, डिपेंड करता है आपके हेयर के वॉल्यूम पे, थिकनेस पे। ये देखिए इस तरह से ये है, मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर, मतलब इसका कैप खोलने के बाद भी ये अच्छे तरीके से प्रॉपरली सील्ड है। तो इसकी सील खोलती हूँ और ये देखिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, इसका टेक्स्चर बहुत सॉफ्ट था, क्रीमी सा, और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट फ्लेवर थे। आप अपने हेयर के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जिसका रिव्यू कर रही हूँ वो वाटिका का आर्गन हेयर ऑयल वाला है। और ये देखिए इस तरह से मैं 1 टेबल स्पून का स्पून है मैं इतना निकाल रही हूँ, क्योंकि इसको बेसिकली आपको ज़्यादा अपने स्प्लिट एंड रूट पर अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अगर आपको सारे हेयर्स में लगाना है तो सब में भी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं फ़िलहाल इसकी ना डीप मसाज अपने स्कैल्प पे ही करूँगी, तो मैंने सोचा मैं आपसे इसका जो है वो रिव्यू शेयर करूँ। और मैंने इसको अप्लाई किया था, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इससे बाल काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं, तो ये आप ले सकते हैं।